जय माता दी फ्रेंड्स, आज हम चल पड़े हैं वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। आइए चलिए मेरे साथ माता रानी के दर्शनों के लिए। हमें तो माता रानी ने चिट्ठी भेज दी, आप अपनी चिट्ठी का इंतजार कीजिए। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। फ्रेंड्स, हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गेट नंबर 1 की साइड पे आ चुके हैं और अब हम चल रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 7 की ओर अपनी ट्रेन लेने के लिए, श्री शक्ति एक्सप्रेस। आइए चलते हैं। एक सेकंड, एक जानकारी तो रह ही गई, ये ट्रेन यहाँ से 7:05 पे जाती है और सुबह कटरा 6:10 पे पहुंचा देती है। आइए चलते। जय माता दी। मैं जसदीप आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली मस्ती में। आज हम चल पड़े हैं माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। आइए चले। अब हम आ गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, गेट नंबर 1 से हमने एंट्री ली है और अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे हैं। हमने ट्रेन ली है श्री शक्ति एक्सप्रेस, इसका नंबर है 22461। ये ट्रेन यहाँ से 7:05 पे जाती है और कटरा, मतलब वैष्णो देवी के लिए कई लोग जम्मू उतरते हैं, ये ट्रेन आपको सीधा कटरा पहुंचाएगी सुबह 6:10 के लिए। मेरे को डे का ट्रैवल थोड़ा लगता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सारे दिन बैठे रहो, तो नाइट ट्रैवल मुझे बेस्ट लगता है, तो मैंने ये शाम की ट्रेन ली है, ये सुबह सुबह 6:10 पे हमें पहुंचा देगी। आइए चले दर्शनों के लिए। जय माता दी। फ्रेंड्स, हमारा लोअर बर्थ है, अपनी सीट पे आगे विराजमान हो रहे हैं और अब हम चल रहे हैं माता के दर्शनों के लिए। चलिए, मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ चलिए और दर्शन कीजिए। इस जगह में हम सिर्फ माता वैष्णो देवी के दर्शन नहीं करेंगे, ये सीक्रेट है, इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो बने रहिए मेरे चैनल दिल्ली मस्ती के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। दिल्ली के स्पेलिंग गलत नहीं करने हैं, दिल वाला दिल्ली है ये, DILLI दिल्ली मस्ती, MASTI। फ्रेंड्स, 7:06 हुए हैं और ट्रेन यहाँ से नई दिल्ली से चल चुकी है। चलिए अब वैष्णो देवी के धाम चलते हैं। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। जिकादा शरबंदा बोल साचे दरबार की जय। फ्रेंड्स, हमने थाली ऑर्डर की थी, ट्रैवल के दौरान भूख तो लगती है तो हमने थाली ऑर्डर की है। इसमें आप देख सकते हैं ये मेरे पराठे हैं, इसमें दाल है, आलू की सब्जी है, पनीर की सब्जी है और चावल है, चावल जो है। और एक चीज़ और बताऊंगी आपको, इसमें अचार भी है हाई चॉइस का और ये सी सॉल्ट है आयोडाइज, ये हमें मिला है और मुझे कुछ क्वालिटी खास नहीं लग रही है। थाली जो है वह छोटी सी है। और एक चीज़ बताऊंगी, पराठा नहीं है इसमें, रोटी है और वो भी कच्ची पक्की है, तो 130 की थाली है। मुझे देख के लग नहीं पा रहा कि मैं इसे खा पाऊंगी, आई एम सॉरी, मगर 130 की थाली है। ऑन द वे जो काफ़ी लंबा ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें खानी पड़ेगी, बट ठीक है, इट्स एवरेज लग रही है। आइए थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं बच्चे टेस्ट कैसा है इसे। पूरा पहले से मिक्सअप मैश हो रखा है पूरा मैसअप। आइए देखते हैं इसका टेस्ट। सिर्फ नमक है, मिर्च वगैरह कुछ भी पता नहीं लग रही है और दाल भी जो है वो बिल्कुल पानी की तरह लग रही है मुझे। दाल तो मतलब क्या ही है। और पूरा देखो आप, अभी आया मैंने, इसमें से कुछ खाया भी नहीं है, आधे से भी कम है ये। आलू भर के दे दिए और वो भी कच्चे हैं, देखिए मैंने इसमें चम्मच घुसाया, टूट ही नहीं रहा, तो आलू भी कच्चे हैं, तो ठीक है जो है सो यही मिलता है। आप अदरवाइज आप मील ऑन व्हील पे भी ऑप्शन देख सकते हैं। हमने ये थाली ली थी जो आपके पैंट्री कार में से आते हैं, पर्सन पूछे जाते हैं कि आप क्या लेंगे डिनर में, लंच में, डिनर का टाइम था तो हमने डिनर के लिए थाली ली। मेरा ओपिनियन
एवरेज से भी लो है। बाकी आप देखिए आपका क्या अलग काम करता है, आपको कैसे ताले मिलते हैं। बने रहिए मेरे चैनल दिल्ली मस्सी के साथ। फ्रेंड्स 9:40 का टाइम था अम्बाला पहुंचने का, 9:24 हुए अम्बाला आ गए। इतनी जल्दी है तो सुपरफास्ट से भी सुपरफास्ट चल रही है हमारी ट्रेन। फ्रेंड्स 5:47 के अराउंड टाइम था जब एक ट्रेन यहाँ पे पहुंच गई है, श्री शक्ति एक्सप्रेस, जो कि हमने कल रात को ली थी। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ आ गए। फ्रेंड्स हम आ पहुंचे हैं माता वैष्णो देवी धाम कटरा। आई एम सो एक्साइटेड। जय माता दी मेरे दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत कुछ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पहले अपनी ट्रेन की, जिस ट्रेन से हम आए हैं, श्री शक्ति एक्सप्रेस। ये ट्रेन बहुत सुपर फास्ट ट्रेन है, सुपर से भी सुपर है, क्योंकि इसने बिफोर टाइम मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में कहीं पहुंचाया है। ठीक आप जान सकते हैं अब हम पहुंच चुके हैं श्री माँ वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे। ठीक आप मेरे पीछे देख पाएंगे त्रिकुटा पर्वत है और हम अब चढ़ाई करेंगे। आज दिखाएंगे आपको कहाँ कहाँ होते हुए हम चढ़ाई के लिए जाएंगे। ठीक है, आप देखिए कितने अच्छा व्यू आ रहा है पीछे का। देखिए फ्रेंड्स अगर आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे तो पीछे भवन भी दिख रहा है। बहुत अच्छा मतलब दर्शन हो रहे हैं। इससे ज़्यादा मैंने लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बस ट्रेन से उतरूंगी और माता के भवन के दर्शन हो जाएंगे। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम और भवन के दर्शन नीचे से। जय माता जी। फ्रेंड्स हम कटरा में कटरा रेजिडेंसी में रुके हैं, ये बाणगंगा रोड पे है। आइए अंदर चलते हैं। ये नीचे रिसेप्शन एरिया में काफ़ी अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है। फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको सस्ता मिलता है। अगर आप यहाँ पे आके बुक करते हैं तो 1400 रुपये आपको पे करने रहते हैं एसी रूम के, और नॉन एसी के 1100 रुपये। आइए अब हम आपको एसी रूम दिखा देते हैं जो कि हमने बुक किया था। फ्रेंड अब हम रूम में एंटर कर चुके हैं। आप देख पाएंगे कि सामने डबल बेड लगा है, इसमें ईजिली 2 एल्डर्स और 1 बच्चा एकोमोडेट हो सकता है। साइड में आपको हॉट वाटर कैटल दे रखी है और पीने के लिए पानी अवेलेबल है, और ये ग्लास है जो कि कवर करके रखा गया है, और ये एक जग भी है जिसमें आप पानी रख सकते हैं। अलमीरा का फैसिलिटी भी है, आप अपने कपड़े वगैरह जो हैं अच्छे से अलमीरा में रख सकते हैं। सिंगल डोर अलमीरा है, हाफ क्लोज रहता है। टीवी भी है और एसी फैसिलिटी भी है, कर्टेंस दे रखे हैं। या आपको लगेगा एसी कहाँ चला गया भाई, इन्होंने एसी रूम बोला है। तो ये रहा एसी, और लाइट्स इस समय काफ़ी ज़्यादा है तो हमने इसे थोड़ा अपने रूम में कवर किया हुआ है। अब हम बात करते हैं वॉशरूम की, तो वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, क्लीन है। अब देखिए सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, वॉश बेसिन देखिए कितना अच्छा है, और यहाँ पे शावर भी दे रखा है। काफ़ी लोग शावर से ही नहाना प्रेफर करते हैं, बाहर आके बकेट्स और वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं बकेट्स को, तो आप यहाँ पे शावर फैसिलिटी भी है। साइड पे हैंडल दे रखा है जहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रूम है, 1400 के हिसाब से पर डे का टैरिफ 1400 मैंने बताया आपको। फ्रेंड्स अब काफ़ी लोगों को ये रूम महंगा लगेगा। कटरा में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है लाइट का इशू जो रहता है, लाइट बहुत ज़्यादा पावर कट होता है, तो ये लोग इसलिए आपको पीछे जनरेटर ऑन करके आपको यहाँ पे लाइट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको वो कॉस्ट भी कवर करना रहता है। इसके लिए रूम का जो कॉस्ट रहता है थोड़ा हाई हो जाता है। जनरेटर पे जब भी लाइट जाएगी आपका एसी ऑफ हो जाएगा। बेसिक पॉइंट्स आपको मिलेंगे, लाइट फैन चार्जिंग पॉइंट आपका ऑन रहेगा, लेकिन एसी उस टाइम पर आपका बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स जैसे ही आप जम्मू में एंटर करेंगे आपका जो प्रीपेड सिम्स रहते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, फूस हो जाते हैं। तो आपको या तो पोस्टपेड कनेक्शन चाहिए रहता है जो कि आप अपने जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ से लेके आएँ, या फिर आप यात्री सिम भी ले सकते हैं, यहाँ पे यात्रा पर्ची भी अवेलेबल रहती है। आइए हम जानते हैं यात्रा सिम के बारे में। यात्रा सिम मिल जाता है आपके पास? क्या प्राइस रहता है?
फ्रेंड्स 250 बताया जा रहा है, कहीं कहीं पे 250 है, कहीं पे 350 भी, अगर आप आगे चले जाएंगे बाणगंगा की ओर वहाँ पे आपको 350 के आसपास भी मिल सकता है। तो अब हम जानते हैं कितने दिन के लिए चलता है ये। 28 डेज के लिए। इसमें जो इंटरनेट रहता है वो भी अवेलेबल रहता है। हाँ, 1 GB पर डे आएगा, कॉलिंग अनलिमिटेड है, जितना मर्जी करो आप। 1 GB पर डे आपको मिलता है, कॉलिंग अनलिमिटेड रहती है। तो ये 250 का सिम है, ये कौन सी कंपनी का रहता है? एयरटेल जियो दोनों मिल जाएंगे। एयरटेल और जियो दोनों मिल जाते हैं आपको। और कनेक्शन किसके सबसे ऊपर अच्छे सही आते हैं? दोनों के कनेक्शन ऊपर सही आते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे आके यात्री सिम भी ले सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चाहिए रहते हैं? सिर्फ आधार कार्ड। फ्रेंड्स आधार कार्ड आपको देना रहता है यात्री सिम के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे आके यात्री सिम लीजिए जम्मू में, कटरा में, या फिर आप घर से पोस्टपेड कनेक्शन लेके निकलिए यात्रा के लिए। जय माता दी। कबीर एंटरप्राइजेस आपको दिखेगी शॉप, यहाँ पे आपको यात्री सिम, यात्रा पर्ची भी प्रिंट निकाल के दी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे प्रीपेड टैक्सी काउंटर है, 24/7 यहाँ पे चलता है। आपको कभी भी कहीं की टैक्सी लेनी हो, नेगोशिएशन के लिए बहुत प्रॉब्लम रहता है, आप यहाँ से फिक्स प्राइस रहते हैं, यहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं मैं कटरा चौक के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हूँ। ठीक मेरे पीछे आपको ऑटोज दिख पा रहे हैं, अभी आपको मैंने दिखाया है प्रीपेड टैक्सी काउंटर। और इधर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा तो आपको बस स्टैंड भी दिखाई दे जाएगा। आइए बढ़ते हैं। और आपको अब मैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स बड़े ध्यान से देखिए, अगर आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकालना भूल गए हैं तो कटरा बस स्टैंड पे ही आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर मिलता है, आप यहाँ से भी यात्रा पर्ची निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो पर्ची है ये 6 घंटे के लिए ही वैलिड रहती है जब से आपको निकाल के दी जाती है। और ये काउंटर जो है ये सुबह 5 बजे खुलता है और रात को 10 बजे बंद हो जाता है, तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से रखिए। ऑनलाइन अगर आप यात्रा स्लिप निकालते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, आपको आके यहाँ पर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। कई बार यहाँ पर यात्रियों के, श्रद्धालुओं के रश के दौरान यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन देखने को मिल जाती है। चलिए फ्रेंड्स अब हम कटरा चौक से आगे बढ़ते हुए आपको बस स्टैंड भी दिखा देते हैं ताकि आपको सुविधा रहे। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए बस स्टैंड की तरफ हमने देखा यहाँ लाइन रोड की सोवेनियर शॉप भी है, आप यहाँ से भी कुछ सामान अगर लेना चाहें घर के लिए तो ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बस स्टैंड की तरफ। कटरा से आगे चढ़ते चलते कटरा चौक से जम्मू के बस स्टैंड तक आ चुके हैं। यहाँ से आपको मेजर सिटीज़ जैसे अमृतसर, जम्मू, उधमपुर के लिए बसेस मिल जाएंगी, और शहरों के लिए भी बसेस चलती हैं यहाँ से, और शहरों के लिए भी बसेस चलती हैं जैसे दिल्ली वगैरह आगे के लिए। तो उसके लिए लेकिन कुछ टाइमिंग्स रहते हैं वो आपको यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ से आगे जाना चाहते हैं पटनी टॉप, उधमपुर और शिवकोड़ी, उसके लिए भी आपको बसेस यहीं से मिलती हैं। अब ठीक मेरे सामने निहारिका कॉम्प्लेक्स है श्राइन बोर्ड का, आइए चलते हैं। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको इम्पोर्टेंट शेयर करते हैं। फ्रेंड्स आप देखिए ठीक मेरे पीछे निहारिका गेस्ट हाउस का कॉम्प्लेक्स का बोर्ड है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आप देखिए। यहाँ पे आपको इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन मिलता है, डोनेशन काउंटर मिलता है, एम्बुलेंस सर्विस मिलती है, प्रायोरिटी फॉर दर्शन मिलता है। और अगर आप यहाँ पे निहारिका कॉम्प्लेक्स में एसी और नॉन एसी रूम्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाके। यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी रहती है, यात्रा पर्ची काउंटर है, ऑनलाइन सेक्शन है, वायरलेस कंट्रोल रूम है, करंट हेली टिकट काउंटर है, हेलीपैड्स की फैसिलिटी भी उपलब्ध रहती है जो कि सांझी छत तक रहती है, उसकी टिकट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन सजेशन यही है हमारा कि आप ऑनलाइन टिकट्स लेके आएँ उसकी भी। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फ्री क्लॉक रूम रहता है, अन्नपूर्णा भोजनालय है, डॉर्मेट्री सर्विस भी यहाँ पर है जो कि फ्री तो नहीं होती, कुछ बहुत नॉमिनल सा चार्ज रहता है इसका। आइए चलते हैं थोड़ा सा अंदर से दिखाते हैं हम आपको ये। फ्रेंड्स कहा जाता है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, सबसे पहले हमने एंट्रीज की तो हमें मिल गया अन्नपूर्णा भोजनालय। ऐसे ही भोजनालय आपको पूरे यात्रा के दौरान मिलते हैं, आइए हम आपको अंदर से थोड़ा दिखाते हैं। यहाँ पे आपको पूरा सात्विक खाना मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया चाय 7 रुपये, कॉफ़ी 15 रुपये, दूध 15 रुपये, सैंडविच भी यहाँ पे आपको मिलता है 25, और आगे की चीज़ें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। फ्रेंड्स एंट्री करते के साथ आप देखेंगे इंक्वायरी रूम एंड रिजर्वेशन का इधर एक दे रखा है काउंटर, आप जैसे ही अंदर जाएंगे रूम में आपको यहाँ पे रूम्स अवेलेबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है। आइए थोड़ा पूछते हैं।
फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जैसे कहाँ कहाँ पे रूम फैसिलिटी अवेलेबल है, वो ठीक मेरे स्क्रीन पे आप देख पाएंगे अभी पीछे। क्या क्या टैरिफ है उसके साथ, कितनी ऑक्यूपेंसी रहेगी उसके साथ ही आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, कटरा चौक से आगे बढ़ते हुए उधमपुर चौक पे आ गए, उधमपुर रोड पे आ गए हैं। अब हम चल रहे हैं माँ अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट अपने ब्रेकफास्ट के लिए। अब टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट का, तो चलिए मेन्यू चेक करते हैं क्या ऑर्डर किया जाए। फ्रेंड्स, कल रात को हमने डिनर भी यहीं किया था और हमने स्पेशल थाली ली थी। थाली अच्छी थी लेकिन जलेबी हमें स्वीट्स में मिली थी वो हमें अच्छी नहीं लगी। और अब हमने जो है 11:30-12 का टाइम होने वाला है, तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट की जगह क्यों ना ब्रंच ही कर लें हम। तो अब हमने अपने लिए एक मसाला डोसा और चना भटूरा ऑर्डर किया है। फ्रेंड्स, हमने चना भटूरा मंगाए थे, आप देख सकते हैं मेरे चने भटूरे अचार और साथ में ना थोड़ी सी कड़ी दी गई है, ये कॉम्बो मैंने पहली बार देखा है। चलिए टेस्ट करके बताते हैं आपको इसका जायका कैसा है। बहुत बड़े भटूरे हैं तो एक पर्सन के लिए एक प्लेट काफ़ी रहेगा। बढ़िया टेस्ट है भटूरा, थोड़ा सा खट्टा लग रहा है मुझे खाने में। चने का टेस्ट कोमली है जिसे घरों में मिलता है हमें। फ्रेंड्स, जब मैं कड़ी के साथ भटूरा खा के आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कैसा है। बढ़िया मिनट, ये कड़ी नहीं है, ये मस्टर्ड सॉस है। देने वाले ने हमें गलत बताया जिसने हमें सर्व किया कि कड़ी है, ये कड़ी नहीं है, मस्टर्ड सॉस है। इसके साथ भी ठीक लगा, लेकिन अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप भटूरा लीजिए, चने लीजिए अपने साथ में अच्छे से, फिर इस चटनी में थोड़ा सा डिप कीजिए और फिर इसे, ये आपका अच्छा टेस्ट आएगा। फ्रेंड्स, हमारा मसाला डोसा भी आ चुका है, आप डोसे का साइज़ देखिए काफ़ी ह्यूज है। और अब हम इसे ट्राई करते हैं, क्योंकि मसाला डोसा है और मसाला यूजुअली बीच में होता है, तो मैं इसे सेंटर से ही खाना स्टार्ट करती हूँ। बढ़िया, ये मुझे बढ़िया लगा। फ्रेंड्स, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, चना भटूरा 80 रुपये प्लेट है और मसाला डोसा की जो प्लेट है वो 100 रुपये की है। फ्रेंड्स, अब हम अपना ब्रंच करके बाहर निकले तो हमें पान दिखा, क्यों ना पान ट्राई किया जाए। मीठा पान होता है भैया बता रहे, तो एक मीठा पान लेते हैं। क्या क्या लगाते हैं भैया इसमें? बहुत से आइटम इसमें, ड्राई फ्रूट पान होता है, ड्राई फ्रूट पान होता है, छुआरा है, मनक्का और क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत अखरोट का होता है, अखरोट का कुछ पार्ट और गुलकंद और भी कुछ कई आइटम्स होते हैं। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। चेरी है और चेरी तो हमें बाहर दिखी हुई है, बढ़िया। फ्रेंड्स, अब कटरा चौक पे हम खड़े हैं, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है। आप चाहें तो घर के लिए और प्रसाद के तौर पे जो भी ड्राई फ्रूट्स लेके जाना चाहें वो लेके जा सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ। देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं मेरे आगे कितनी सारी फ्रूट्स की, ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स हैं, कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये तो पूरा, ये नया बाज़ार है। आइए थोड़ा इसमें चलते हैं। अब हम चल रहे हैं नए बाज़ार के अंदर,
कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है हमें इसमें। फ्रेंड्स कुछ लोग जैसे वैष्णो देवी के कटरा में दर्शन करने के बाद कुछ घर के लिए शॉल्स वगैरह वुलन्स वगैरह कैरी करना पसंद करते हैं, तो ये देखिए मैं कुछ शॉल्स वगैरह देख रही हूँ, आप देख पाएँ तो। ये भैया बता रहे हैं 250 से रेंज स्टार्ट है इस शॉल की। और कौन सी शॉल्स रहती है आपके पास? ये भी 250 के रेंज में है, काफ़ी अच्छी शॉल्स लग रही हैं। गर्म रहती हैं ये? गर्म है, ये गर्म शॉल बताई जा रही हैं। और सूट्स वगैरह भी होते हैं आपके पास? अब सबसे अच्छी क्वालिटी दिखा दो आप शॉल की। फ्रेंड्स आप देखिए, ये मैंने अब सबसे टॉप क्लास की जो शॉल है वो निकलवाई है भैया से। ये पश्मीना की शॉल बताई जा रही है और 24,000 की है। इसका वेट जो है कितना रहेगा? वेट 100 ग्राम के आसपास इसका वेट होगा, और जितना लाइट वेट बताया जा रहा है उतना ही गर्म बताया जा रहा है। फ्रेंड्स ये कॉटन के ऊपर कश्मीरी कढ़ाई हो रखी है, 2000 का सूट है, 20% ऑफ है तो 1800 का आपको पड़ेगा। मैंने भैया से गर्म सूट की डिमांड की है कि गर्म सूट दिखाओ, कॉटन का तो सूट मिल ही जाता है। और ये वुलन का सूट है, मटका डिज़ाइन है इस पर। ये किस, ये कौन सा डिज़ाइन था? ये आरी वर्क के लाता है फ्रेंड्स। ये जो अभी मैंने आपको पहले सूट दिखाया था ये आरी वर्क है, और ये जो है ये मटका डिज़ाइन है, मटके की शेप में 3-piece सेट है। ये आ गई शॉल, ये सूट हो गया ऊपर का शर्ट और नीचे बॉटम का अंदर कपड़ा दे रखा है, तो ये काफ़ी गर्म बताया जाता है। तो आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। क्या प्राइस रहता है इसका? ये 2500 का है, इसमें भी 20% ऑफ है। तो यानी ये साड़ी दिखाई है हमें, इस साड़ी की कुछ खासियत बता रहे हैं, भैया से ही जानते हैं, बताइए। यहाँ इसका ये खासियत रहता है, ये जो साड़ी है जो है यहाँ पे हमारे अमरनाथ पड़ाव आता है, जब आप अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं जो पहला पड़ाव आता है चंदनवाड़ी, वहाँ पे उस चंदेरी सिलक से ये साड़ी तैयार किया जाता है, और यहाँ के ट्रेडिशन में सबसे बेस्ट माना जाता है और बहुत खूबसूरत साड़ी रहता है ये। बट रहता है विदाउट ब्लाउज है, पर 6.5 मीटर का साड़ी है और अट्रैक्टिव करता है 100 बंदों के बीच में, क्योंकि इसके लुक्स बहुत डिफरेंट रहते हैं और 100 बंदों के बीच में सबसे हटकर देखने वाले लुक बना कर देता है ये वाला साड़ी। यहाँ का सबसे स्पेशल आइटम है ये। कितने की रहती है साड़ी? 1600 का, 20% ऑफ होगा, उसके बाद आपको 1280 का पड़ेगा, 1280 रुपीज़ का। फ्रेंड्स ये 1280 का पड़ेगा। ये एक बार आप साड़ी खोल के दिखा देंगे प्लीज़? अब भैया ने इतनी तारीफ की है तो इसे एक बार खोल के हम आपको दिखाते हैं, ताकि जब भी आप आए तो यहाँ से ये चीज़ें परचेज करना चाहें तो आप ज़रूर करिए। मैक्सिमम कॉलेज की लड़कियाँ लेती हैं, और जो टीचर्स होती हैं जो अनमेरिड लड़कियाँ रहती हैं, और ये मतलब कि ये सफोकेशन नहीं करता है, पसीना नहीं आने देता है, और बहुत कम्फर्टेबल फील कराती है ये वाली साड़ी। बहुत लाइट वेट साड़ी रहती है, आप फैब्रिक को हाथ लगाएं, एक बार धोने के बाद कपड़ा गफ होता है। ये देखें, धोने के बाद कपड़ा गफ होता है ये। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा फैब्रिक दिख रहा है, और बताया जा रहा है कि जब भी हम इसे धोते हैं तो ये गफ हो जाता है, तो क्या इसे घर पे धो सकते हैं? होम वॉशेबल है, इजी वॉश है। फ्रेंड्स होम वॉश कर सकते हैं आप इस साड़ी को। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इस शॉप का एड्रेस बता देती हूँ। आप नया बाजार में जैसे ही एंटर करेंगे, आप सीएस से उतर के सीधा सामने की ओर आएंगे तो आप इस शॉप पे पहुँच जाएंगे। शॉप का नाम क्या है? महालक्ष्मी आर्ट एम्पोरियम। फ्रेंड्स हमारा यहाँ का एक सबसे स्पेशल आइटम रहता है, वो क्या रहता है कि अगर आप कभी भी कटरा से कोई भी चीज़ मंगाना चाहें तो होम डिलीवरी फ्री है ऑल ओवर इंडिया में, और विदाउट चार्जेस हम लोग घर पे पहुँचा देते हैं। डिलीवरी चार्जेस टोटली फ्री रहेगा, सिर्फ आपने एक बार पसंद करना है और व्हाट्सएप पे कलर च्वाइस है सब कुछ हम लोग करा देंगे और होम डिलीवरी फ्री रहेगा। और हम आपको अपना नंबर बता देते हैं, 84-93-98-20-11 8493982011। अगर किसी को कुछ भी मंगाना हो आप कॉल करें, व्हाट्सएप पे कलर चॉइस करें, और विद इन 9 डेज़ 9 दिन के अंदर आपके घर पे हमारा डिलीवरी पहुंच जाएगा, और विदाउट डिलीवरी एनी चार्जेस। तो फ्रेंड्स आप अगर कुछ परचेज करना चाहें तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो आपको नंबर शेयर कर दिया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। जब जैसे ही हम नया बाजार से नीचे आए तो आप देख पा रहे हैं उपहार ड्राई फ्रूट्स एम्पोरियम है। अब हम अंदर चलते हैं, और यहाँ पे शॉल्स वगैरह भी रहती है, तो आइए अब अंदर चलते हैं। हम ड्राई फ्रूट्स के लिए जा रहे हैं मेनली यहाँ पे। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि अखरोट की कई क्वालिटीज होती हैं। आइए सबसे पहले हम अखरोट की क्वालिटीज के बारे में जानते हैं, कैसे पहचानते हैं, कागजी अखरोट क्या होता है, कैसा रहता है, वो जानते हैं। अखरोट देखो, अखरोट मैडम हमारे पास ये 250 रुपये से स्टार्टिंग रेंज है। अखरोट जो कागजी अखरोट है 250 रुपये से स्टार्टिंग रेंज है। एक तो होता है पत्थर वाला, वो तो 200-250 रुपये आराम से मिल जाता है आपको, 200-150-180। अच्छी क्वालिटी अखरोट लेना आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग रेंज होता है। इससे आगे फिर बहुत सारी क्वालिटी होती है हमारे पास, जैसे ये 250 रुपये के जी आ गया, इससे अच्छी क्वालिटी का अखरोट लेना है, पतले छिलके में लेना है। कागजी अखरोट आएगा ये आपका आएगा 300 रुपये के जी, इससे भी अच्छी क्वालिटी का अखरोट लेना आगे 350 रुपये के जी आएगा। अगर इससे भी अच्छे वाला अखरोट लेना है ये आता है डाले वाला माल, इससे अगर अच्छे वाले लेना है बक्स वाला माल लेना है वो आ जाता है 350 से स्टार्टिंग रेंज होती है उसकी।
तो सबसे अच्छा अखरोट जैसे घर के लिए लेके जाना रहे तो आपने तो 350-300 की रेंज में अच्छी क्वालिटी का आपको अखरोट मिल जाएगा, बढ़िया अखरोट, कागजी अखरोट, बक्स वाला। एक आप दिखाएंगे फ्रेंड्स, अब हम देखने जा रहे हैं कागजी अखरोट जो भैया बता रहे हैं घर के लिए लेना चाहिए, सबसे अच्छी क्वालिटी का रहता है वो, अब हम दिखाने लगे हैं आपको। देखिए ये मीडियम साइज का अखरोट आएगा, कागजी अखरोट होगा, कंट्री माल आएगा, एक पेड़ का माल आएगा फ्रेंड्स, ये एक पेड़ का माल होगा और कागजी अखरोट है। ये देखिए भैया ने देखिए फ्रेंड्स कैसे फूल की तरह गिर के हाथ में आ गया अखरोट, और बिल्कुल भी छिलका वगैरह आप देख पा रहे हैं नहीं, हल्का सा आ गया हाथ में वैसे। अब ये देखिए बिल्कुल साफ अखरोट हमारे हाथ में है फ्रेंड्स, मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा टेस्ट है इसका। अब मैं ऐसा माना जाता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि माल कुछ और दिखाया जाता है और दिया कुछ और जाता है, ठीक है। तो अब मैं भैया ने हमें ट्राई करवाया, हो सकता है इनकी कोई निशानी हो कुछ हो, तो अब मैं आपको खुद से एक अखरोट तोड़ के दिखाती हूँ। भैया ये पकड़ लो बस, थैंक यू। फ्रेंड्स चलिए हम दांत से ही तोड़ते हैं। बताया जाता है कि अखरोट को तोड़ने का तरीका जो होता है, जो लाइन होती है बीच में, सेंटर लाइन जो होती है जो इसको डिवाइड करती है, इस पे ही तोड़ना चाहिए। तो चलिए ट्राई करते हैं, मेरा दांत टूटता है यहाँ अखरोट। अरे भाई ये तो एक ही बार में टूट गया। फ्रेंड्स देखिए टूट के ऐसा ही अखरोट निकला है इसमें से, पूरा ऐसा सा। तो अब इसे देखते हैं, ये भैया ने हमें एक और अखरोट छील के दिया है, तो एक बार टेस्ट करते हैं इसे। बढ़िया है। तो ये 350 की किलो देते हैं। तो फ्रेंड्स आप घर के लिए लेना चाह रहे हैं, 350 रुपये पर केजी रहता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी खुद खाने के लिए लेना है, आदमी कमाता है इसीलिए कि थोड़ी सेहत बनाए, अच्छा माल लेके जाइए, 100-150 के चक्कर में मत पड़िए, अच्छी क्वालिटी का अच्छा माल लेके जाइए। एक कली वाला लहसुन देख पा रहे हैं आप, इसकी काफ़ी खासियत है, आइए जानते हैं भैया से। ये मैम देखो ये लहसुन जो होता है ये गंठिया लहसुन इसको बोलते हैं, जोड़ों की दर्द, गैस, बीपी आई तो उसके काम आता है, ये खाली पेट सुबह अपने ठंडे पानी से छील के 2 पीस खाना होता है डेली की, ये नहीं कि एक दिन खा लिया 2 दिन छोड़ लिया, ये डेली की आपने खाली पेट सुबह 2 पीस खाना छील के ठंडे पानी के साथ। क्या प्राइस फैक्टर रहता है इसका? ये जोड़ों की दर्द, गैस, बीपी होता है उसके काम आता है, और ये आप डेली के 2 पीस खाने छील के। पैसा कितना लगेगा? 750 रुपये केजी है मार्केट रेट, और प्योर देसी होगा। फ्रेंड्स 750 रुपये केजी के हिसाब से मिलता है, 2 पीस सुबह और 2 शाम को खाने रहते हैं खाली। अच्छा सुबह ही, सॉरी सिर्फ 2 पीस शाम को खाने रहते हैं। हाँ सॉरी, दो पीस आपको इसके सुबह 2 कलियाँ खानी रहती हैं खाली पेट, तो इससे आपको गठिया की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम और भी काफ़ी प्रॉब्लम जो रहती हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ प्रसाद की, काफ़ी फ्रेंड्स प्रसाद की और भी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, निकला हुआ अखरोट भी रहता है यहाँ पे, इसके प्राइसेस भी जान लेते हैं। इसका क्या प्राइस रहता है? मैम इसका प्राइस ये 550 रुपये के जी आएगा, ये 800 आएगा, इससे अच्छी क्वालिटी का 900 रुपये के जी आएगा। फ्रेंड्स अगर आप नहीं छीलना चाहते हैं तो आप गिरी भी लेके जा सकते हैं अखरोट की, प्राइसेस हमने आपको बताए, और प्रसाद की और रेंज भी रहती है, जैसे ये फुलियाँ रहती हैं, ठीक है, मीठी वाली भी आती हैं, और आप देख पा रहे हैं इधर ऐसे कटोरी वगैरह भी बनी हुई मिल रही है प्रसाद की, मिक्स प्रसाद भी अवेलेबल है। इस कटोरी का प्राइस जानते हैं, ये कितने की है? 20 रुपये। फ्रेंड्स ये किशमिश के साथ फिल की हुई कटोरी है प्रसाद की, और इसमें एक सिक्का भी है माता रानी का, आप देख पा रहे हैं जिसमें भगवती के दर्शन हो रहे हैं, और ये 20 रुपये की कटोरी बताई जा रही है, और ये सिल्वर वाली, ये 40 रुपये। इसमें क्या फिलिंग रहती है? फ्रेंड्स ये 40 की है, और नीचे इलायची दाना है, ऊपर किशमिश है थोड़ी सी, और साथ में सिक्का है भगवती का, और कुछ ये पैकेट्स रहते हैं बड़े वाले, ये 1 केजी का पैकेट है। अच्छा ये प्रसाद की पैकिंग के हिसाब से आता है, ये कितने का पैकेट है? ये 100 रुपये का पैकेट आपके पास अवेलेबल हो जाता है, और इसी शॉप पे आप बैक साइड पे देखेंगे कुछ शॉल सूट्स वगैरह भी रहते हैं, अगर हम आप वो लेना चाहें तो वो भी यहाँ से एक ही बार में शॉपिंग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जय माता दी। फ्रेंड्स अब नया बाज़ार की स्टार्टिंग में ही देखेंगे
काफ़ी ज़्यादा शॉप्स रहती हैं, चूड़ियाँ रहती हैं, कड़े रहते हैं, पूजा की सामान जैसे होता है दिया वगैरह, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपने लिए किचन बनवा रहे हैं, इस पे आपको इस ये जो आप देख रहे हैं किचन, इस पे आप कुछ भी लिखवा सकते हैं। हम तो हम अपने चैनल का नाम लिखवाते हैं DILLIMASTI दिलीप मस्ती से। इस पे इसको करते हैं इंग्रेव। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का नाम आप देख सकते हैं दिल्ली मस्ती। फ्रेंड्स, ये हमने पीतल पे इंग्रेव करवाया है, इसके चार्जेस 50 हैं। अगर आप बैट बॉल वगैरह कोई और डिज़ाइन पिक करते हैं तो किसी का प्राइस 30 भी है, क्योंकि हमारे चैनल में दिल आता है तो हमने दिल वाला दिल्ली मस्ती लिया है।